फिल्म में जो बदमाशियाँ की उसकी बात हो रही थी, मैं रियल लाइफ बदमाशियों के बारे में जानना चाहूँगी, या हम सभी जानना चाहेंगे, जो ऐसी बदमाशी जो आप चाहते कि कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो। बोलो जी। वो कभी होती नहीं है, वैसे भी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। रियल लाइफ ही है। आई थिंक अगर आपके साथ कोई क्यूट बदमाशी करे तो किसी को भी अच्छा लगता है। जैसे मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, मैं फर्स्ट ईयर में थी, एंड देयर वाज अ सीनियर हु लाइक्ड मी। तो उसने मेरे लिए फर्स्ट ईयर की जो सुबह 7:30 बजे क्लास लगती थी, उसने मेरे लिए 1 महीने तक अटेंड की जस्ट टू गेट टू नो मी। सो दैट वाज अ बदमाशी इन अ वे। उसने कॉन भी किया मुझे, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था कि वो थर्ड ईयर का है, सीनियर है। और सो या कुछ कुछ बदमाशियाँ बहुत क्यूट होती हैं। सो कोई आप तो नहीं थे वो सीनियर? मैं तो इनके मतलब प्रोफेसर वाले एज में हूँ। इतने मॉडेस्ट। प्लीज सभी बताइए। शारिब आप? मैं तो एक्चुअली जैसा मेरा नाम है शारिब, मैं उसमें आधा शरीफ तो वैसे ही आ जाता है। तो मैंने बहुत कम बदमाशियाँ की हैं। बदमाशियाँ कोई ज़्यादातर मेरे साथ में होती हैं। हाँ, मैंने एक शो किया जिसमें मैंने लोगों पर बहुत सारी बदमाशियाँ की हैं। क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी हैं। मुझे बदमाशियाँ सब फिल्में देखने अच्छा लगता है जिसमें बहुत सारी बदमाशियाँ होती हैं। मैं फिल्मों का दीवाना हूँ, आपको पता ही है पहले से। तो हिंदुस्तान में देख चुके हैं जी। हाँ जी, देखिए ये एक वापस निकल गई। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप जी, मेरे पास माइक है। थैंक यू। आपके पास है जी? ओह, मेरे पास भी है। अपना अपना लिए घूमते हैं एक्चुअली। भाई बदमाशियाँ एक्चुअली, मुझे एक इंसिडेंट याद आया जब आपने क्वेश्चन पूछा। तो मेरा एक्टिंग कोर्स ख़त्म हुआ था, तो वहाँ पे कहते थे एक्ट एवरी डे ऑफ योर लाइफ, कुछ भी चलते फिरते उठते बैठते। एक स्टेटमेंट उन्होंने बोली विच एक्चुअली चेंज माई लाइफ, डोंट जस्ट ऑब्जर्व, पार्टिसिपेट। मतलब अगर आपको एक इमोशन चाहिए, कोई गाड़ी को धक्का मार रहा है, तो आप वो सिर्फ देखो मत कि वो कैसे मार रहा है, जाके मारो तो समझ में आएगा क्या होता है। तो वहाँ पे मैंने एक प्रैंक किया एक्चुअली। ट्रैफिक वाले हमारे बॉम्बे में स्पेशली बहुत लूटते हैं हमें। तो एक दिन क्या हुआ, मैं गाड़ी चला रहा था और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो एकदम से साइड पे बाइक वाला, बाइक पे ट्रैफिक पुलिस कि रुको रुको रुको। तो मैंने कहा ओ शिट, क्या है? तो मैं फ़ोन पे था, तो मैं फ़ोन पे कंटिन्यू बात करता रहा। अब मैं रुका, उसने बोला लाइसेंस, अब मैं फ़ोन पे ही हूँ। तो मैं रोना शुरू हो गया। मैंने कहा सर मेरे दोस्त को ब्लड चाहिए, मेरे को हॉस्पिटल दिखा दूर। मैंने कहा सर गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है सर, पता नहीं कैसे पहुँचूंगा। आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। तो उसको लगा कि यार सच में, तो एक्चुअली मैंने पहली बार ट्रैफिक वाले को लूटा और उससे 100 रुपये ले लिए पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में। तो मैं बड़ा प्राउड हूँ उस बात को लेके। सो पर अगले दिन वापस भी दिए 200 रुपये। एंड नहीं, मैं इमेज ठीक कर रहा, नहीं दिए यार। तो या दैट्स अबाउट इट। सो ये इंसिडेंट मैं भूलूंगा भी नहीं कभी। सो या इट्स फनी। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। अपना लेके मैं अपना नहीं लेके आया सर, सॉरी। मैं बदमाशियाँ से ऐसी वाली बदमाशियाँ फिल्म में नहीं है। हाँ, ऐसी वाली बिल्कुल नहीं है, बहुत शरीफ है फिल्म में। बहुत कोशिश की हमने कि हम शांत रहें, और ऐसी उभरती है जो हमारी, वो हम रात को खाना खाते वक्त ज़रूर बांट लेते थे। इस फिल्म के बारे में बताऊंगा, जो हमारे कैप्टन हैं यहाँ पे अमित खन्ना, ये बड़े छुपे रिश्ते में लगते हैं, बड़े शरीफ हैं। तो एक डांस सीक्वेंस था, कोरियोग्राफर आए हुए थे, तो सडनली मेरा और सुजैना का डांस करते करते, फिर सिद्धांत ने भी आना था, तो सडनली ही सेड कट 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 कट, नाउ आई वांट सिद्धांत एंड करण टू डांस एग्जैक्टली द वे करण एंड सुजैना वर डांसिंग। और हम ऐसे करके ज़रा यूं यूं इस कुछ पोज में थे, और बड़ी सीरियसली बोला। तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब सेट पे साइलेंस हो गया कि ये सच्ची में बोला है। एंड ही वॉज वेरी एंग्री दैट टाइम, क्या कर रहे हो तुम सब, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो, कम ऑन करण। तो हम दोनों से चिपक गए जरा, रेडी सर रेडी। और सडनली वो रोल भी हुआ इनके पास, वो टेप में है भी, आई डोंट नो इन्होंने फिल्म में डाला है कि नहीं। और जैसे ही सीक्वेंस चला, इन्होंने कट इट नहीं चिल्लाया, जोर जोर से हंसने लगे। सर कैसे हंसे थे बताना, मुझे याद नहीं है, पर एक चीज जरूर याद है कि इन दोनों को बहुत मजा आ रहा था वो करते थे। हाँ, इनकी इनकी केमिस्ट्री मुझसे बहुत बेटर थी दोनों की। तो ये एक हमारी बदमाशी है जो आपसे शेयर करना चाहते थे हम, जो सबने करी। सर आपकी कोई बदमाशी स्कूल की? नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखा कितने शरीफ हैं। गुंजन आप? शारिब? गुंजन नहीं, पहले गुंजन की बदमाशी। टेक्निक है यार, वो बदमाशी भी टेक्निक है। टेक्निकली बदमाशी बता दीजिए मेरी। हेलो,
यही बदमाशी है। बोलो बोलो बोलो। मेरी बदमाशी ये है कि जनरली आई एम वेरी इंटेलिजेंट बट सम जनरली 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 ना जनरली मेरा दिमाग चलता है लाइक नॉर्मली चलता है बट समटाइम्स यू नो आई एक्ट डम सो दे थिंक दैट आई एम प्रिटेंडिंग टू बी डम बट इट हैपेंस एंड आई लाइक इट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड सुना जब भूल जा भूल जा भूल जा ये बदमाशी आपके साथ अभी हो रही है एक्चुअली आई एम वेरी स्मार्ट शारिब सिद्धांत एंड करण आप तीनों से जानना चाहेंगे यहाँ पे हाँ जी फिल्म में तो सुजैना ने आप तीनों को बेवकूफ बनाया रियल लाइफ में ऐसा कभी हुआ कि आप तीनों बेवकूफ बन गए हो किसी लड़की से किसी लड़की से इन दोनों को बनाया होगा मुझे तो नहीं बनाया आई एम श्योर एक लड़की ने भी नहीं बनाया मैं तो बहुत बार बेवकूफ बना कौन सा बताऊं कोई एक इंसिडेंट शेयर कर लीजिए कोई एक शेयर कर लूं आपके साथ बिंदास नहीं नहीं ये रोज रात को बोलती थी कि हाँ। नीचे लॉबी में मिलेंगे डिनर के लिए और हमें खाना खिलाती थी खुद देख लो क्या साइज है उनका साइज जीरो ये एक मतलब बेवकूफ तो बनाती थी वो कि जलेबी आई है ये आया है वो आया है होटल रूम में हाँ आप मैं? खाने पे बोलती थी ना हाँ मिलती है नीचे आप चलो हाँ मैं मेन्यू देख के आ जाती थी इनको बता देती थी और खुद भाग जाती थी वैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ में मेरा थोड़ा टाइम तक अफेयर चल रहा था फिर बाद में एकदम से शी स्टार्टेड इग्नोरिंग मी फिर मुझे पता नहीं चला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अचानक से मेरा जो हमारे ग्रुप में एक दूसरा लड़का था उसके साथ में उसका सडनली पता चला कि उन लोगों ने शादी कर ली और मेरा एक और जो बहुत बेस्ट फ्रेंड था वो उसमें विटनेस के लिए गया था मैं बोली क्या हो गया रहे की सर आप तो बच गए ना मेरे साथ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और काफी अफेयर चला फिर बाद में मेरी उन्हीं से शादी हो बनना सिद्धांत आपके साथ ऐसा कुछ हुआ एक्चुअली नहीं हुआ मैं सोच रहा था अभी जब ये बात कर रहे थे पर वो हम जैसे लगने वालों के साथ होता है ज्यादा ये दूसरों को बनाते हैं ये तो ठोलों को भी नहीं छोड़ते पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते शारिफ से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इसे मैं दिव्या सिनेमा हैंगओवर मैगजीन से आपका अभी इसके पहले आपने फिल्मिस्तान फिर दूसरी एक और मूवी आपकी वो नेशनल अवार्ड्स के लिए गई फिर ऑस्कर के लिए अभी ये मूवी से आपका बदमाशियों से आपकी क्या उम्मीद है ये कहाँ जाने वाली है ये तो इसके नसीब है जहाँ जाएगी हम उसके पीछे पीछे चले जाएंगे फिल्म का अवार्ड्स के साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत अलग चीज़ है हमने ये फिल्म सबके लिए बनाई है अगर अवार्ड्स मिलेंगे तो भी तहे दिल से मतलब उसे मंजूर कबूल करेंगे और प्यार मिलेगा तो वो भी तहे दिल से कबूल करेंगे तो जो फिल्में अवार्ड्स के लिए चली गई वो मैं खुश नसीब था कि आई वॉज़ अ पार्ट ऑफ सच बिग फिल्म्स तो मैं उम्मीद करूँगा ये फिल्म भी उतनी ही लोगों को पसंद आए अवार्ड्स मिलना नहीं मिलना वो तो बात की बात है थैंक यू Hi Amit, I wanted to know how did you come up with the title and it's a rom-com, it's very unique and what was the biggest challenge you faced during the shoot of the film? Is that working? Hello? Yeah. See the title of the film, all the characters in this movie, nobody's Sida Sada types. Everybody's up to something, some mischief, some prank. I think most of us are always up to some mischief or some prank, you know, nobody's absolutely white. So. Badmashiyan was something which I felt would connect with the target audience that we are looking at for this particular film. And like I said earlier, rom-com, because of the fact that she wants to marry somebody who's rich, but she actually wants to even fall in love with that person. So she's romantic, but she's a con at the same time. So these were the factors that were kept into consideration. Sharif, ek sawal aapse bhi hai. Ji. Aapse puchna chahenge, aap Haryanvi... डॉन बने हुए हैं आपका नाम है बेबी डॉन तो ये कैरेक्टर नाम नहीं है नाम मेरा नाम है जैजी फिल्म के अंदर जैजी ओके हां मारा भाई जैजी बाकी सारे क्रेजी ऐसे मेरे सारे लोग बोलते हैं मेरे हेंचमैन अच्छा शारिफ भाई एक सवाल मेरा है यहां पे किस तरह अच्छा उनका खत्म नहीं हुआ वैसे अभी खत्म नहीं हुआ भाई किस तरह से तैयारी की आपने ये बता दीजिए तैयारी मैंने असल में हमारे मेरे को स्टार हैं फिल्म के अंदर जो मेरे राइट हैंड बने हैं कुंदन
उन्होंने, वो खुद हरियाणा से हैं, तो उनके साथ में मैंने काफ़ी रीडिंग्स की, उनको बुला के साथ में थोड़े डायलेक्ट्स पे वर्क किया, अलग अलग जो जो वर्ड्स हैं जहाँ जहाँ पे स्ट्रेसेस लिए जाते हैं वो सारा उनके साथ में मैंने बैठ के काफ़ी होमवर्क किया। और डॉन था, थोड़ा बहुत चीज़ें अपनी डाली और उस तरीके से थोड़ा किए, मतलब मज़ा आया मुझे बहुत। आई रियली इन्जॉयड प्लेइंग दिस कैरेक्टर, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है जो मैंने फिल्मिस्तान में किया है। मैं उसमें एक मतलब भोंदू सा बंदा हूँ और यहाँ मैं डॉन हूँ, तो वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट कैरेक्टर है। आई रियली इन्जॉयड प्लेइंग दिस वन ऑल्सो, थैंक यू। शारिफ भाई, एक सवाल आपसे कि शाहरुख खान के साथ आपने फिल्म की है, वो कितने बदमाश थे जब तक है जान में? शाहरुख खान साहब बहुत बदमाश हैं, वो तो बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बहुत सही था। उन्होंने कभी मेरे साथ में कोई, या मैंने किसी के साथ में उन्होंने बदमाशी नहीं की, मस्ती करते थे वो, कभी किसी के ऊपर प्रैंक्स नहीं करते थे वो। और इनफैक्ट अगर कोई सीन होता था तो उसमें वो मेरी लाइन भी इम्प्रूव करने के लिए की कोशिश करते थे, जो मैंने बहुत, मतलब जो ज़्यादातर बड़े बड़े एक्टर्स शायद नहीं करते हैं, बट उन्होंने कई बार वो चीज़ मेरे साथ में की, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। और अभी जब रिसेंटली जब मैं एक अवार्ड लेने के लिए गया था, तब उन्होंने चार लाइनें मेरे लिए अलग से बोली, तो आई वॉज मतलब 2 लीटर खून बढ़ गया मेरा एकदम। चार लाइनें नहीं, उन्होंने बोला कि शारिब मेरे दोस्त हैं और बहुत खूबसूरत एक्टर हैं, ओरिजिनल एक्टर हैं, जो थोड़ा कट गया उसमें से, लेकिन जो रह गया वो इतना था। मेरी स्पीच काटी तो फिर वो तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट करण, करण आपसे एक सवाल है यहाँ पे। चलो मिले, हमें वो जवाब नहीं मिला जब आपको पूछा गया था कि ज्यादा बदमाशियां इस फिल्म में आपने की या रागिनी एमएमएस में की थी। मतलब मानोगे नहीं आप, नहीं कुछ बता दीजिए इस हिसाब से। बदमाशियां वहां पर मेरे साथ हुई, यहां मैंने की। शारिब भाई यहाँ पे, यहाँ पे वो नहा कर नहीं आए। शारिब भाई, शावर खराब है। शारिब भाई, ट्रेलर के लिए कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपसे पूछना चाहते हैं कि जहाँ फिल्मिस्तान ने नेशनल अवार्ड जीत लिया, तो अभी आपको लगता है कि आपकी हर आने वाली फिल्म से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है और इससे कभी कभी आप थोड़ा प्रेशराइज हो जाते हैं? प्रेशर तो सिर्फ सुबह को रहता हूँ मेरा हमेशा, उसके अलावा प्रेशराइज नहीं होता। बाकी ऊपर वाले ने अब तक जो दिया है उसकी भी मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी और मेरी औकात भी नहीं है। अब ये मिला है तो आगे भी जो चीज़ें होंगी वो भी मंजूर है मुझे। आई एम हैप्पी, जैसे रास्ता चल रहा है मैं उसके ऊपर आगे बढ़ रहा हूँ, बस जो होगा मंजूर है। Every goal is 1 lakh for the charities. Done. Are you ready? Ready. Go for it. Here we go. Big cheer everyone. Come on. Give him support. Yeah! Fantastic!